अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लोदिंग वर्ल्ड। आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं, जहाँ पे लाइफस्टाइल, फैशन, स्टाइल और ट्रेंड्स के बारे में वीडियो शेयर की जाती हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी डिज़ाइंस। ये डिज़ाइंस मोस्टली ट्रेडिशनल ज्वेलरी डिज़ाइन होंगे, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर या हमारे पाकिस्तानी फैशन के अंदर कल्चरल डिज़ाइंस को मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा तरजीह दी जाती है। शलवार कमीज़ हमारा नेशनल ड्रेस है और उसके साथ डिफरेंट एड ऑन्स किए जाते हैं ताकि आपके लुक को कम्प्लीट और एलिगेंट दिखाया जाए। तो इसमें ज्वेलरी एक बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है, जैसे कि ख्वातीन की कमज़ोरी हैंड बैग्स हैं, अच्छे शूज़ हैं, ग्लासेस और वॉचेस हैं, इसी तरह ज्वेलरी भी आपके आउटफिट को, लुक को कंप्लीट करती है। तो ये जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं हमारे, जो सब कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस हैं, उनमें जो तीन मेन काइंड्स हैं वो आपके पास कुंदन आता है, मीनाकारी आता है और पोलकी का डिज़ाइन आता है। गोल्ड ज्वेलरी भी ट्रेंड में है, लेकिन चूंकि इंक्रीजिंग प्राइसेस हैं गोल्ड की, इस वजह से लोग ज़्यादातर इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर फोकस करते हैं और दे लुक नथिंग लेस देन अ गोल्ड पीस। इस तरह डिज़ाइन किया गया है डिज़ाइंस को कि वो कम्प्लीटली ओरिजिनल और गोल्ड डिज़ाइंस लगते हैं। तो आपको कुंदन ज्वेलरी के बारे में बताते चलते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप ज्वेलरी के बिज़नेस के अंदर बआसानी कदम रख सकते हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी होलसेल मार्केट्स हैं, जहां से आप ज्वेलरी ख़रीद के आप इनको सेल कर सकते हैं। आपको बताते चलते, ज्वेलरी एक ऐसा चीज़ है जो कि हमेशा फैशन के अंदर रहती है, आए आपके पास ईद का सीज़न हो, शादी का सीज़न हो या अदरवाइज भी। तो इसलिए ये एक बूमिंग बिज़नेस चॉइस है और एवरग्रीन है, साल के 12 महीने जो है पॉपुलर बिज़नेस है। इससे पहले भी हमने आपके साथ एक दुपट्टा वीडियो शेयर किया है, उसके अंदर भी आपके साथ तफसील में बिज़नेस आइडिया शेयर किया गया है। ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दुपट्टा और ज्वेलरी दोनों चीज़ों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि इसमें आपका साइज़ का इशू नहीं आता। अगर आप अदरवाइज़ क्लोदिंग का बिज़नेस करते हैं, ड्रेसेस का बिज़नेस करते हैं, तो उसमें आपको साइज़ का इशू और बहुत सारी इन्वेंटोरी रखनी पड़ती है। ज्वेलरी और दुपट्टाज़ में ऐसा है कि आप कम इन्वेंटोरी से अपने बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में शेयर किए जाने वाले डिज़ाइंस का मकसद ये है कि इन डिज़ाइन रेफरेंस को लेके जाएं, इस किस्म की ज्वेलरी आप ख़रीदें, इसमें इन्वेस्ट करें और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट रख के रीसेल करें। ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, आजकल के चलने वाले ट्रेंड्स हैं, 2021 के हिसाब से आपके साथ ये ट्रेंड शेयर किए गए हैं। कोशिश ये की गई है, हल्की से भारी हर किस्म की ज्वेलरी शेयर की गई है, कंगन के डिज़ाइन, झुमकों के डिज़ाइन, गले के लिए पहनने की चीज़ों के डिज़ाइन, हर किस्म के डिज़ाइन शेयर किए गए हैं, ताकि आप वैरायटी ऑफ चीज़ें अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदें। आपके पास कुंदन की ज्वेलरी दी गई है, जो कि आपके पास, आपको बताते चलें कि ये ओल्ड ज्वेलरी स्टाइल है, सब कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस है और बहुत सालों से चलता चला आ रहा है और आज भी फेमस है। इसमें बेसिकली स्टोन्स का यूज़ किया जाता है, गोल्ड पीसेस और इमिटेशन ज्वेलरी दोनों ही के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। गोल्ड में इसको 24 कैरेट प्योर गोल्ड के अंदर तैयार किया जाता है, जबकि बाकी की ज्वेलरी 22 कैरेट गोल्ड में इस्तेमाल की जाती है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ज्वेलरी है। ब्राइडल वेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके इस तरह के जो इशू, जो इवेंट्स हैं आपके ब्राइडल इवेंट्स, उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैजुअली इस ज्वेलरी को नहीं पहना जा सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त डिटेल होती है। सेकेंड जो टाइप आपके पास आ जाती है वो है मीनाकारी। ये भी कुंदन ही की टाइप की ज्वेलरी है, इसमें भी बहुत सारे स्टोन्स का इस्तेमाल करके ज्वेलरी को बहुत ज़बरदस्त डिटेलिंग दी जाती है। इसके साथ आपको बताते चलें, जो इस ज्वेलरी की खासियत है कि ये बहुत कलरफुल होती है और ये ओल्ड रॉयल राजस्थानी स्टाइल के मुताबिक इस ज्वेलरी को डिज़ाइन किया जाता है और इसके अंदर एक ट्रेडिशन का लुक झलकता हुआ नज़र आता है। आर्ट ऑफ पेंटिंग, डिफरेंट किस्म के मेटल्स का इस्तेमाल, खूबसूरत रंग और बहुत ही ड्रामेटिक किस्म के मोटिव्स जो हैं, इस ज्वेलरी को बहुत यूनिक बनाते हैं। इस ज्वेलरी के अंदर आपको फ्लावर्स, बर्ड्स और लीव्स के मोटिव्स नज़र आएंगे। इसके अलावा भी आपको बता दें कि मीनाकारी ज्वेलरी के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के ग्लास पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, मिनरल ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये ज्वेलरी जो है
एक बहुत यूनिक लुक देती है। तीसरी ज्वेलरी जो आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं वो है पोल्की स्टाइल ज्वेलरी। ये अनकट अनपॉलिश स्टोन्स के साथ बनाई जाती है और इसी वजह से पोल्की डिज़ाइन का एक पीस दूसरे पीस से हमेशा मुख्तलिफ होता है। नॉन केमिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट है इस ज्वेलरी को तैयार करने का और इसके अंदर बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स से इस ज्वेलरी को तैयार किया जाता है। ऑल इन ऑल तीनों टाइप की ज्वेलरीज जो आपके साथ शेयर की गई हैं, पोल्की, मीनाकारी और कुंदन, पॉपुलर ट्रेडिशनल सब कॉन्टिनेंट डिज़ाइंस हैं। आप जब इस ज्वेलरी को ख़रीदें बिज़नेस के हवाले से तो ना सिर्फ पाकिस्तान में आप इसको सेल कर सकते हैं, इसकी मार्केट आपके पास इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है और श्रीलंका के अंदर भी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के तमाम तर डिज़ाइंस आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ख़ुद अपने लिए किसी इवेंट के लिए ज्वेलरी ख़रीदना चाह रहे हैं तो भी ये वीडियो एक रेफरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी ही ख़रीदें। बाज़ार जाके आप डिफरेंट डिज़ाइंस को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये एक गाइड है आपके लिए। और अगर तो आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ये भी फर्स्ट स्टेप है आपके लिए अच्छे गाइड का कि आपको क्या चीज़ें ख़रीदनी है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।